हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना और इसका है ये पार्ट टेन बच्चों इससे पहले जो आपको मैंने पार्ट नाइन कराया था उसमें हमने आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था जिसमें हमारी चार क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या द्विगंशी और चुंबक के क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या ठीक है तो उस दिन सिर्फ हम उनके बारे में बता पाए थे न्यूमेरिकल्स हमने नहीं कराए थे तो बच्चों आज उसके थोड़े से उन उनपे एक दो हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या एन इक्वल्स टू वन के लिए एल एम व एस क्वांटम संख्याओं के संभावित मान लिखिए यानी कि आपको क्या दिया है एन का मान दिया है एन की वैल्यू दी है वन तो आपको एल एम और एस के मान बताने हैं ठीक है एल सी थी मुख्य क्वांटम संख्या एल कम हम बताएंगे पहले जो है द्विगंशी क्वांटम से क्या तो बच्चों उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एल का मान क्या होता है अगर आपको एन का मान दिया हो तो एल के जो मान होते हैं वो होते हैं जीरो से लेकर जीरो से लेकर एन माइनस वन तक ठीक है तो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक और बच्चों यहाँ पे क्या है एल इक्वस्ट एक तो जीरो ही आएगा अब एन माइनस वन का क्या मतलब है एन माइनस वन का मतलब है कि वन माइनस वन वो तो जीरो ही हो गया तो इसका मतलब एल का आगे कोई मान नहीं होगा इसका सिर्फ एक मान होगा जीरो क्योंकि अगर आप सिर्फ वन माइनस वन भी करोगे तो भी ये जीरो जीरो यानी जीरो जीरो ही इसके मान आएंगे और ज्यादा मान इसके नहीं होंगे हाँ अगर एन की जगह होता दो तो दो होता तो हमारा जीरो आता और एक आता दो माइनस एक एक तक मान आते तो जीरो और एक मान आता इसका अच्छा बच्चों उसके बाद बात आती है एम की एम के लिए हमारे पास क्या था एम का था प्लस एल से माइनस एल तक के मान और साथ में क्या हो उसके जीरो सहित यानी बीच में ज़ीरो भी होना चाहिए लेकिन बच्चों जब एल की वैल्यू ही जीरो है तो एल ज़ीरो कोई प्लस माइनस का तो होता नहीं जीरो सिर्फ ज़ीरो होता है तो एम का मान भी यहाँ क्या रह जाएगा जीरो रह जाएगा इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगी जिसमें एन का मान कुछ और दिया होगा ठीक है एम का मान हम लोगों ने निकाल लिया और बच्चों एस का मान जो होता है एस के हमने उस दिन बताया था दो मान होते हैं एक प्लस वन अपॉइंट टू और एक माइनस वन अपॉइंट टू और ये एम के किसी भी मान के लिए यही रहते हैं ये कभी नहीं बदलेंगे तो यहाँ एस का मान करेगा प्लस वन अपॉइंट टू और माइनस वन पॉइंट टू तो यहाँ पे संख्याओं के इन संख्याओं की क्या क्या मान आएंगे एन का हमारे पास एक है एल का भी जीरो एम का भी जीरो और एस का प्लस वन अपॉइंट टू और माइनस वन अपॉइंट टू ठीक है पहले हम आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों क्या है निम्न उपकोष के एन और एल के मान लिखिए बच्चों यहाँ पे इन्हें हम हमें उपकोषों की संख्या दी हुई है मतलब उपकोष दिए हुए हैं 2s 3p 5d 4f पहले हम 2s देखते हैं 2s देखो बच्चों अगर कभी आपको इस तरीके से उपकोष दिया हो और आपसे n और l के मान पूछे हों तो बच्चों जो इसका ये गुणांक होता है जो s के साथ है p के साथ d उपकोष के साथ जो भी गुणांक जुड़ा है वो जो होता है वो होता है एन का मान तो एन बराबर यहाँ क्या है दो है अच्छा बच्चों जब मैं उस दिन आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एस पी डी और एफ के लिए एन के जो एल के जो मान होते हैं एल के मान वो निश्चित होते हैं बताया था मैंने आपको क्या क्या थे एस का मान होता है जीरो पी का एक डी का दो और एफ का तीन एल के लिए मान निश्चित है तो बच्चों ये कौन सा कोश है एस तो एस का मान क्या होगा यहाँ पे एस है तो एल का मान क्या आएगा यहाँ पे एस के लिए एल का मान हमारा जीरो होता है तो एल ई कोश कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा इसी तरह तरीके से बच्चों अगर आप दूसरा देखोगे थ्री पी तो थ्री पी में एन का मान कितना होगा तीन होगा और पी के लिए एल का मान कितना होता है एक होता है तो यहाँ एल का मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप सी वाला दे देखोगे फाइव डी तो फाइव डी है तो एन का मान कितना होगा यहाँ पे पाँच और डी का मान कितना होगा यहाँ पे एल के लिए डी का मान कितना होता है दो होता है तो एन का मान पाँच और डी का मान दो और इसी तरीके से अगर आप डी वाला करोगे फोर एफ तो एन इक्वल्स टू तो चार होगा और एल का मान कितना हो जाएगा एफ के लिए एन का मान हो जाएगा तीन तो सो बच्चों इस तरीके से अगर आपको दिया हो तो आप समझ सकते हो कि आपको कैसे निकालना है जो संख्या होती है एन होती है और जो इनके उपकोष दिए होते हैं ये इनके बेसिस में हम एल के मान निकाल लेते हैं अब बच्चों अगर आगे आपसे एम और एस के पूछे जाते तो आप वो ऊपर वाले मेथड से निकालेंगे ठीक है अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर एस टू इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए सॉरी मैंने आ, नाम लिख दिया है मान मान लिखिए तो देखो बच्चों फोर एस टू है फोर एस टू के लिए हमारे मान क्या क्या होंगे पहले देखो बच्चों जैसे आपको उपकोष दिया हुआ है तो यहाँ पे एन की जगह क्या आएगा एन टू कितना होगा यहाँ पे फोर होगा क्योंकि ये जो गुणांक होता, होता है ये कितना होता है ये जो गुणांक होता है ये n का मान होता है अच्छा बच्चों अभी कौन सा उपकोष है एसुपकोष है और अभी हमने कराया कि s उपकोष के लिए l का मान कितना होता है एस उपकोष के लिए l का मान होता है जीरो तो बच्चों अब बात आती है m का क्या मान होगा तो m का मान क्या होता है प्लस l से और माइनस l तक और जीरो सहित लेकिन l की वैल्यू तो ऑलरेडी ज़ीरो है तो, तो क्या होगा एम का भी मान कितना रहेगा यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा उसके बाद बच्चों एस की बात आती है तो एस का हमें पता है कि एस के दो ही मान होते हैं हर किसी इलेक्ट्रॉन एम के किसी भी मान के लिए के दो ही मान होंगे प्लस वन अपॉइंट टू और माइनस वन पॉइंट टू और बच्चों ये इसका आंसर होगा एन इक्ल्स टू फोर एल इक्वल्स टू जीरो एम बी जीरो क्योंकि एल जीरो है और एस के मान तो प्लस वन पॉइंट टू और माइनस वन पॉइंट टू हमेशा रहते हैं वो नहीं बदलते तो होप सो बच्चों आपको इस इसके जो सवाल हैं वो समझ में आ गए होंगे वरना आगे चल के मैं आपको इसके एंड में और भी सवाल कराऊंगी जिससे आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे तो इसके और सवाल भी करा देंगे ठीक है बच्चों अब आज का जो हमारा मेन नियम है वो हमें पढ़ना है आफ बाहू नियम आबबाहू का नियम अच्छा बच्चों ये जो आपू का नियम है इसके नाम से आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम है कि आव बाहू थे उन्होंने खोज की आव बाहू जो होता है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संरचना करना या रचना करना किसी चीज़ की तो यहाँ पे इसका क्या काम है वो देखते हैं हम आबबाहू जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना अब बच्चो आपबाहू का जो नियम है हमारा मेन वो क्या है परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के पढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं देखो बच्चों इसका क्या मतलब है आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं कोश होते हैं कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है परमाणु है उसके अंदर कोश होते हैं काफ़ी सारे ठीक है ये वाला जैसे के एल एम एन एन होगा उसके बाद और भी आगे बढ़ते जाते हैं कोश कोश होते हैं इस तरीके से तो बच्चों हर कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है वो कम से कम ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है ठीक है वो क्या चाहता है कि वो कम से कम ऊर्जा स्तर में रहे जितना वो नीचे रह सकता है तो इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं ठीक है इन ऑर्बिटल्स में इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनका क्रम क्या होता है हमेशा उनका क्रम होता है हमेशा कम से कम ऊर्जा में भरे जाने का ठीक है पहले सबसे कम ऊर्जा में भरे जाएंगे फिर वहां जगह नहीं रही तो वो आगे वाली ऊर्जा स्तर में जाते हैं अदरवाइज़ वो कोशिश करते हैं कि वो उसी ऊर्जा स्तर में रहे जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है जो आपको अभी आप थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो अच्छी बात है और अगर बच्चों आपको नहीं पता है तो आगे हम इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ही आने वाली है तो वन एस टू टू एस टू ठीक है टू पी सिक्स थ्री एस टू इस तरीके से जो ये हैं तो यहाँ ये जो तो टू हैं ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका भी इस समय हमें कोई काम नहीं अगर आप वन एस और टू एस और टू पी इन सबको देखें तो ये जिस क्रम में लगे हुए हैं वन एस टू एस टू पी थ्री एस तो बच्चों ये इनकी बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है ठीक है पहले इसकी सबसे कम ऊर्जा फिर उससे बड़ी इसकी ऊर्जा फिर उससे बड़ी उसकी ऊर्जा फिर, फिर इससे बड़ी इसकी ऊर्जा ठीक है अब बच्चों बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ऊर्जा बड़ी है कि इसकी बड़ी है तो इसके लिए एक नियम होता है एन प्लस एल नियम यानी एन क्या है यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या और एल क्या है यहाँ पे द्विगंशी क्वांटम संख्या अगर आपको ये दोनों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात हों तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा उपकोष पहले आएगा और कौन सा बाद में यानी किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी ऊर्जा कम है जैसे कि बच्चों अगर आप वन एस वाले का देखेंगे तो वन एस में अभी हमने ये करा है कि एन का मान वन एस के लिए कितना है एक और एस एल का कितना है जीरो क्योंकि एस के लिए एल का मान जीरो होता है तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा वन प्लस जीरो इक्व टू वन तो इसकी ऊर्जा कितनी है यानी ऊर्जा वन है इसकी ऊर्जा ठीक है क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो सीधे सीधे समानुपाती होती है एन प्लस एल के ठीक है तो ये ऊर्जा यहाँ पे ऊर्जा का आप मान लगा सकते हो यहाँ पे एक है सबसे कम तो इसलिए हमने उसे सबसे शुरू में रखा है अब अगर आप दूसरा वाला देखेंगे टू एस तो बच्चों एन का मान दो और एल का जीरो ही रहेगा तो एन प्लस एल इक्व टू टू प्लस जीरो इक्व टू

एन प्लस एल अगर आप करोगे तो कितना आएगा टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री आएगा अब सेम चीज अगर आप थ्री एस के लिए करोगे तो एन का मान कितना तीन और एस का कितना जीरो तो इसे एन प्लस एल करोगे तो ये भी क्या आएगा थ्री प्लस जीरो इक्वल्स टू थ्री तो ये दोनों का मान क्या है बराबर है लेकिन क्योंकि पी उपकोष बाद में आता है वो एस से ज्यादा बड़ा है तो इसलिए हम लोग पहले रखा है तो बच्चों इसका मतलब यही है एन प्लस एल का और आप बाहु का भी कहने का मतलब यही था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो वो कैसे होंगे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे कि पे सबसे छोटा ऊर्जा स्तर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और ये आगे जाके बढ़ते ही रहते हैं कहीं पर भी ये घटते नहीं है और यही आप बाहु का नियम है और एन प्लस एल नियम भी यही है कि क्या होता है अगर आप एन और एल को जोड़ेंगे तो वो सीधा सीधा क्या होता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर के बराबर होता है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कैसे किस तरीके से भरे जाने क्योंकि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वन जैसे आपसे पूछें थ्री एस और फोर डी इन दोनों में किसका ऊर्जा स्तर बड़ा है तो आप पता लगा सकते हैं इस चीज़ का कि थ्री एस का निकाल लें फिर आप फोर डी का निकाल लें जो बड़ा हो वो बड़ा है जो छोटा वो छोटा है या पूछ सकते हैं आप इन्हें क्रम में लगाइए बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में या घटती हुई ऊर्जा के क्रम में ठीक है तो आपको इस अच्छे से समझ में आ गया और मे बी अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है हुंड का नियम नेक्स्ट है हमारा हुंड का नियम हुंड एक साइंटिस्ट ही थे पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या कहा था किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षम में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन समदिश होनी होती है क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है तो देखो बच्चों देखते हैं डेफिनेशन थोड़ी सी आपको भी अजीब लग रही होगी लेकिन हम आपको जब समझाएंगे तो आपको ये से समझ में आ जाएगा देखो बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू ठीक है हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो बच्चों ये बात पत आपको पता होनी चाहिए नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि एस जो होता है हमारा एस उपकोश इसमें केवल क्या होता है एक कक्षक होता है ठीक है और एक कक्षक में आप ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो आप एस में भर दोगे एक और दो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक ऊपर और एक नीचे भरा जाता है इसी तरीके से आप टू एस में भी भर सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों ये होती है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है और ये एस और बाइटल है आपने भर दिए और बाइटल मतलब कक्षक ठीक है अब बच्चों पी आई जो पी होती है उसमें कितने कक्षक होते हैं तीन कक्षक होते हैं उसमें एक दो और तीन कक्षक और उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सी बात है जब तीन कक्षक है तो आप छः भर सकते हो क्योंकि आप एक ऑर्बिटल में कितने भर सकते थे दो तो आप इसमें भरेंगे एक दो तीन चार पाँच ठीक है अब थ्री एस टू में आप भरोगे तो भी आप इस तरीके से भरोगे ठीक है अब बच्चों ये तो आपको बता दिया मैंने कि इस तरीके से भरा जाता है अब हम लेते हैं कि हुंड कहाँ पे क्या कह रहे थे हुंड क्या कह रहे थे अगर आप कार्बन का लो कार्बन का है वन एस टू टू एस टू और टू पी कितना लेना है हमें कार्बन का होता है छः तो टू पी टू ठीक है दो दो चार और दो छ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसमें कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन बिना कितना वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है उसमें छः होती है तो बच्चों अगर आप इसे भरो तो एक और दो इसे भी भरोगे तो एक और दो अब बच्चों बात यहाँ पर आती है ठीक है आपको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं अब क्वेश्चन आता है कि कैसे भरें क्या हम ऐसे भर सकते हैं कि जैसे ये पी है तो एक इसमें ही और एक इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर दें ऐसे भर सकते हैं नहीं बच्चों हम ऐसे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं भर सकते उन यही बात कह रहे हैं उन कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं कर सकते यानी तब तक आप पेयर नहीं बना सकते जब तक कि सारे उपकोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है आपने एक इसमें भरा एक इसमें आप भरेंगे ऐसा नहीं करेंगे आप इसमें ही भर दें ठीक है अब बच्चों अगर आप इससे आगे का लो जैसे ये होता एन सेवन यानी नाइट्रोजन सेवन हो जाता है ये तो यहाँ पे तीन हो जाते ठीक है थीके? तो आप तीन भरते तो मतलब एक आप यहाँ पे भरते इलेक्ट्रॉन अब अगर यही ओ एट हो जाए इसे आप ओ एट कर दो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चार हो जाएंगे तो क्योंकि अभी एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जा चुका है तो अब आप इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे एक दूसरे के विपरीत स्पिन में होते हैं स्पिन मतलब एक की मुँह ऊपर होगा एक का मुँह नीचे होने वाला है अब बच्चों क्वेश्चन आता है एक कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जैसे पी ऑर्बिटल है आपके पास ठीक है और आपका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे हमने बताया था सी सिक्स था और लास्ट वाला कितना था उसका टू पी टू था तो क्या ऐसा ही है कि आपको पहला यहाँ और दूसरा यहीं बनना है कि आप इसमें नहीं भर सकते है ना कि ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ ना भर के आप सीधे यहाँ भर दें तो बच्चों आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं जितने भी उपकोष होते हैं सबकी ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है तो आप तीनों में से किसी में भी भर सकते हो अब बात यह है कि क्या आप एक में सीधा और एक में उल्टा भरोग था तो नहीं ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि हुंड ये बात मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्पिन समदिश होते हैं ठीक है उनके स्पिन क्या होने चाहिए समदिश होने चाहिए जो अयुग्मित है अयुग्मित मतलब जिनके साथ पेयर नहीं है अगर इसका मुंह ऊपर है तो इसका भी मुंह ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर उनका ऊर्जा स्तर हमेशा कम में ही रहता है वो ज्यादा में नहीं पहुंचता क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में रहना चाहता है कम में अच्छा अगर आपको क्वेश्चन होता है कि अगर आपके दो टू पी टू थे तो क्या आप ऊपर ही मुंह करके भरोगे आप नीचे मुंह करके नहीं भर सकते आप नीचे मुंह करके भर सकते हो ठीक है आप ऐसा कर सकते हो या तो आप सीधे भरो या उल्टे भरो लेकिन दोनों एक से ही आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने वहाँ पर पड़ेंगे यही बात उनने कही थी और यही का नियम है कि क्या है आप तभी इलेक्ट्रॉन युग्मित कर सकते हो यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हो जब सारे कोश क्या हों पूरे भरे हुए हों ठीक है और क्या होता है अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उनके जो स्पिन हैं जो उनकी दिशा होती है वो एक सी होनी चाहिए वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए ठीक है बच्चों तो मे भी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में पाउली का वर्जन का नियम और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग